ये एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में ये बोल रहा है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड इन द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउसेज एंड विच मैथड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन। हमारे पास मीन निकालने के तीन मैथड हैं, जैसा कि है डायरेक्ट मैथड, फिर उसके बाद हमारे पास है अज्यूम मेथड, फिर है हमारे पास स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सा मेथड यहाँ यूज़ करते हैं और क्यों किया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिए गए हैं उनकी वैल्यू बड़ी स्मॉल है। जैसे कि हमें क्लास मार्क निकालना है तो कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू, तो क्या आया वन, हमने लिख दिया यहाँ वन। उसके बाद टू प्लस फोर अपॉन टू कितना आया, सिक्स बाय टू, थ्री आ गया। क्लियर, इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालते थे। 4 प्लस 6 कितने हो गए, 10 बाय 2 कितने हो गए, 5, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास देखिए आपको सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पता चल गया गैप कितने का आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, 1 प्लस 2 3 होते हैं, 3 प्लस 2 5 होते हैं, तो 5 प्लस 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 प्लस 2 कितने होते हैं, 9, 9 प्लस 2 कितने होंगे, 11, 11 प्लस 2 कितने होंगे, 13। तो इस तरह से हम क्लास मार्क को निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं इससे, कि आपको जब पता चल गया कि गैप कितने का मेंटेन हो रहा है, 2 का गैप मेंटेन हो रहा है, तो 2 का गैप आएगा। ये था आप लोगों का क्लास मार्क निकालते थे xi। ठीक है, अब निकालना हमें fi xi, क्या निकालना है, fi xi, तो 1 1 का क्या होगा, यानी कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1। ठीक है, उसके बाद 2 3 का क्या होगा 6, 5 1 का क्या होगा 5, 7 प्लस 7 इंटू 5 कितने होंगे 35, 9 6 का 54, 11 2 का 22 और 13 3 का 39। अब हमें क्या करना है, इन सब का सम निकालना है, क्या निकालना है सम, कैसे निकालते हैं, इन सबको टोटल करेंगे तो आंसर आता है हमारा 162। ठीक है, अब हमें इसका भी सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओ सॉरी, हमें इसका भी हमें सम निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई, तो इनका सम किया तो 20 आ गया। ठीक है, तो मीन हमने किस मेथड से यूज़ किया, डायरेक्ट मेथड से, किससे, डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई आप लोगों ने क्या निकाला था, एक्स आई 162 और एफ आई कितना था 20, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8.1। ठीक है, तो यानी कि देयर फोर 8.1 प्लांट्स। ठीक है, तो मीन ऑफ द डाटा क्या निकला, मीन ऑफ द डाटा इज 8.1। ठीक है, क्यों हमने यूज़ किया, सिंस द वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर स्मॉल, सो वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड। ओके, इसलिए हमने ये मेथड यूज़ किया, बट जनरली आप लोग याद रखें अज्यूम मेथड का यूज़ करें। ठीक है, या स्टेप डिवीजन का यूज़ करें, जनरली आपको बोला नहीं जाएगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो आपकी चॉइस है, बट जनरली हर क्वेश्चन में अज्यूम मेथड का यूज़ करें। ये था क्वेश्चन नंबर वन, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।